दोस्तों, दसवीं पास के लिए सुनहरा मौका रेल कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत दसवीं पास की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को फ्री ट्रेनिंग देकर युवाओं का कौशल विकसित किया जाएगा, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थी नए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा 17 जोन एवं 7 उत्पाद इकाइयों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 दिनों में 100 की ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के तहत उम्मीदवारों की उपस्थिति 75% अनिवार्य है, जबकि पास होने के लिए रिटर्न में न्यूनतम 55% अंक और प्रैक्टिकल में 60% होना चाहिए। योजना के तहत सफल ट्रेनिंग पूरी करने वाले उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रेल कौशल विकास योजना के लिए आवेदन हो तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और साथ ही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। रेल कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग हेतु उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाकर किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन और अप्लाई की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।